बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामेईन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोरी। आज बात करेंगे एबटाबाद में गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी की डायरेक्टर जनरल गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी कैप्टन रिटायर खालिद महमूद, जो आलिम तैनात हुए हैं डीजी जीडीए के, पहले वहाँ यहाँ पर वो सर्व कर चुके हैं बतौर डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद। बड़ी अच्छी सर्विस उन्होंने अपनी दी, उसके 7 सालों के बाद फिर वो अभी हाल ही में ये तैनात हुए हैं गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदार के तौर पर। उन्होंने आज बड़ी अच्छी बातें की हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए थे, बड़े अच्छे काम किए थे, अब ये उम्मीद की जा रही है कि वो गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक इदारा है जिसमें देखा जाए तो मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, पिंडी, इस्लामाबाद के साथ, हरीपुर के साथ, मानसरा के साथ इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो टच होती हैं, और उसमें क्योंकि एक स्पेसिफिक इलाका है, इसको मजीद बेहतर करने के लिए, सेहत के फरोग के लिए, और खासकर हालिया ये जो सीज़न जा रहा है इसमें स्नो फॉलिंग शुरू हुए हैं, सीज़न बिल्कुल पीक पे है, सयाह जो हैं वो आ रहे हैं, जैसा कि जो साबिक डीजी थे उनके नक्शे कदम पर चलते हुए काम करेंगे या उससे भी 2 हाथ आगे जाएंगे। तो इसमें क्योंकि बकोट भी जो हल्का गलियार जो है सारे इनके साथ आता है, बकोट स्पेशली, बकोट के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल भी हैं। नवीद साहब क्या कहते हैं, आज नए डीजी साहब आज प्रेस क्लब में आए हैं 7 सालों के बाद, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है, और बड़े अच्छे हवाले से उन्होंने कहा कि इस इदारे को मैं इदारा बनाना चाहता हूँ। आपके पास भी क्योंकि जो गेटवे है, वह आपका पूरा रोड है, आपका हल्का जो है वो जीडीए के साथ सारा लगता है, और खासकर जिस वक्त बर्फ होती है तो उसमें आपका रोड ज्यादा बंद रहता है। आपके पास एक जगह है खास स्पेसिफिक, जिस जगह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बिल्डिंगें तो बन गई हैं मगर वो रोड की हालत जो है अभी तक बेहतर नहीं है, वो नाला एक गड़ंग नाला जिसे कहते हैं, वो नाला जो है वो अभी वो बंद ही रहता है, वहां पर ज्यादा मसाइल हैं। तो उस वाले से आपने बात भी की थी, क्या आप समझते हैं कि ये खालिद साहब ने जो आज बातें की हैं ये अचीवमेंट ये पूरी कर जाएंगे? अरुण साहब, जिस तरह खालिद महमूद साहब जो है ना, वो एबटाबाद के हवाले से कोई अनजानी शख्सियत नहीं है, जिस तरह आपने बता दिया उन्होंने सर्व किया, जिस तरह हालिया सीजन जा रहा है गलियात का, यहाँ पे चूंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा होती है, और गुज़श्ता साल जो सानिया हुआ था मरी वाला, उसमें हमारा इस इनको उसका अवार्ड जाता है, क्योंकि इन्होंने वो उनको भी जाकर कमक इन्होंने बचाई थी, यही हुआ था उसमें। अगर वो अवार्ड की बात करें तो वो सारे लोगों को जाता है, रेस्क्यू वाले थे, मीडिया था, पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल सोसाइटी थी, वहाँ के मुकामी अफराद थे, जो मुकामी मजहबी जमातों के लोग थे, उनका जो काम था वो बहुत ज्यादा था। तो खालिद महमूद साहब चूंकि ये सारे इस इलाके से वाकफ हैं, यहाँ के माहौल के वाकफ हैं, यहाँ के रवायात का, कल्चर का इनको अच्छी तरह पता है, और जिस तरह उन्होंने आते ही पहले फ्री एंड दिया, फिर उसके बाद अब वो काम लेना उन्होंने शुरू कर दिया है, बिल्कुल, तो बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। सर, आपने बात की है कि गलियात में चूंकि स्नोफॉल ज्यादा होती है, और इसमें जिस तरह उन्होंने खुद बताया कि मैं आया हूँ यहाँ पे, और मैं चाहूंगा कि जो कम्युनिटी के मसाइल है वो कम्युनिटी के साथ मिलकर मैं आगे मीडिएटर हूँ, मतलब बड़ी बात है कि बड़ा अफिसर वो चाहता है कि मैं लोग आए और वो बात करें, और फिर वो मैं उनकी जगह बैठूं और मैं सुनूं और वो अपने मसाइल खुद हल करें, बड़ी अच्छी, उनके दरवाजे इनके लिए खुले होंगे, मगर उनके जो निचला स्टाफ है अब उनको भी चाहिए, हमारे इलाके के लोग होते हैं कि वो बराबर उस तरीके पे आगे मसाइल तक लोगों तक पहुंचे। जिस तरह उन्होंने बात की कि जी मेरे साथ जो है ना ये पूरा इलाका जो है ये शामिल हो गया है, नए जो टाउन्स बने उसमें उन्होंने बकोट की बात, गलियार चूंकि नथिया गली या यूबिया खानसपुर से निकल के बकोट की बात की, बोई की बात की, ठंडियानी की बात की, तो ये वो सारे इलाके जो मुतासर इलाके होते हैं जहां रसाई नहीं होती है, अमूमन इंतजामिया की पहुंच से बाहर होती है, और ये क्या मैं पाकिस्तान से पहले और क्या मैं पाकिस्तान के बाद वायद डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद जो खालिद महमूद है जिन्होंने बकोट का विजिट किया है पहले, मतलब उससे ना पहले किसी ने किया है, उसके बाद किया है, ऑफिशियल विजिट जो डिप्टी कमिश्नर का था वो खालिद महमूद जब डिप्टी कमिश्नर थे तब किया था, अब ये डीजी के लिए आते हैं तो इसीलिए उन्होंने जब बात की वहां की, तो जिस तरह आपने बात की तो आजकल उस खिते के लोग सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये जो 6-7 किलोमीटर का एरिया जिसमें बहुत ज्यादा स्नोफॉल पड़ती है, ये नथिया गली चर्च से लेके या गोरन राव से लेके इनके जो 2 पंपिंग स्टेशन है पानी सारा ये अपलिफ्ट करते हैं, बकोट का पानी ऊपर लाते हैं और आगे वो सारा पूरी टाउन्स को देते हैं, तो वो सारा ये ऊपर लेके आते हैं, तो वो 6 किलोमीटर का एरिया ऐसा है कि सबसे ज्यादा जो बर्फबारी उस एरिया में पड़ती है, क्योंकि सूरज कम पड़ता है वहां पे जो है, अब इनकी मशीनरी अगर जाती है ये रोड साफ करती है, आगे सीएनडब्ल्यू का एरिया शुरू हो जाता है, उनकी पहुंच ये होती है कि जीडीए साफ करे, फिर वो जाए,
उसके ऊपर इस तरह आज हमने बात की कि उसके ऊपर नमक का छिड़काव करें ताकि लोगों के मसाइल कम हो। जिसके हवाले से उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे, वो स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा कि जी मैं उस पर देख रहा हूँ। अब दूसरी बात जो आपने की, गडंग नाला के पास जो रोड बंद होने की वजह है और जिसकी वजह से रोड ज्यादा खराब हुआ है, वो एक ऊपर 5-स्टार होटल बन रहा है, उसका जितना मलबा था सारा नीचे फेंका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना उनसे वो सारा ले लिया, साहब ले लिया कि जी हमारे इतने दरख्त कटेंगे, इतना माहौल खराब होगा, एनवायरमेंट का दूसरे तीसरे इशू। उसके बावजूद वो जो डालते हैं इनका पंपिंग स्टेशन, उसके साथ जाके वो सारा डंप होता है, फिर वो सारा रोड पे चला गया। अब ये होता है कि वो नाले के पानी जो होता है वो सारा रोड पे जा रहा है और उसके ऊपर जो है वो पाला, जिसको बोलते हैं बिल्कुल कोरा जो होता है, वो देसी जबान में कोरा बोलते हैं, उर्दू में उसको पाला कहते हैं, वो उसकी वजह से जो है ना वो फिर सारी गाड़ियां ऊपर नहीं आ सकती हैं, बहुत बड़ा मसला है। फिर लोगों को मुजफ्फराबाद मानसेरा से होकर अपने अब्टाबाद तक पहुंचना पड़ता है। तो उन साहब अगर मैं बात करूं, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, अब्टाबाद में बैठा हूँ, मुझे तो जाता हूँ ईटर मिलते हैं, यहाँ पे भी हमें ईटर की सहूलत होती है सर, मगर उस इलाके के लोग, गलियात के इलाके सफर पकौड़ के लोग, जिनको 6-7 घंटे दूसरी रियासत से, दूसरे अजला से होकर अब्टाबाद आना पड़ता है, उनके दिल पे क्या गुजरती है। बिल्कुल। तो जब वहाँ पे हमारी कोई बात करने वाला नहीं होगा, वहाँ पे एमपीए बात नहीं करेगा, एमएनए बात नहीं करेगा, एमपी एमएनए तो बात करते नहीं आजकल, वो वैसे भी निकम्मे हो गए हैं, वो फारग हैं, आप तो फोन भी उठाएंगे, आप तो कॉल भी करेंगे, ताया चाचा मामा वाली बात भी करेंगे। इन्होंने एक और बात की है, इन्होंने कहा कि भाई अल्टरनेट रोड उन लोगों के लिए, खासकर आपका जो बकोट का सरकार है, उसके लिए इन्होंने बड़ा अच्छी एक बात की है कि हम उस पर भी काम कर रहे हैं, जल्द ही उस इलाके के लोगों को और सियाओं को जो है दूसरा ऐसा रोड हो ताकि वो सेफली हम। अच्छा, वो अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ये बता दें कि डीजी खालिद महमूद साहब ने जो बात की है कि एक अल्टरनेट पर रोड जो है वो ठंडियानी से क्वाला तक, बिल्कुल वो एक सियाती रोड है, उसका बड़ी आबादी को उस तरह का फायदा नहीं है, मगर उसका मैशियत पे इस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों की खुशहाली आएगी, वो एक मुतबादल रोड है, वो बन जाए तो वो बहुत अच्छी होगी। रस्ते तो बंद नहीं होंगे, वो मतलब एक आबादी उस साइड पे जो है हमारा सर्कल, चूंकि सारा पहाड़ी है और उस आबादी हम दूर दूर तक फैली हुई, इस साइड से जो कश्मीर से क्वाला से बिरोड बकोड नंबल तक लोग इस तरफ से आते हैं नथिया गली से ऊपर, वो रोड अगर बनती है तो वो ठंडियानी से लेके नीचे पटन प्लेयर से होती हुई आके क्वाला की तरफ उस रोड के साथ टच होगी, बननी चाहिए वो रोड, बहुत अच्छा है। जिस तरह डीजी साहब ने कहा अल्लाह करेंगे उस पर अगर जल्दी काम शुरू हो जाए, हम सुनते रहे अगर ये 6 किलोमीटर। आज आप इनकी बातों से मुतमैन है गलियात, क्योंकि सर्कल बकोट जैसा कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने जो आज बात की खालिद महमूद साहब ने कि हम मकामी लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे, मकामी लोगों को कहेंगे कि आप अपने मसले खुद, उनकी जगह हम बैठेंगे, मैं उनकी जगह बैठूंगा, उनको कहूंगा अपने मसले खुद हल करें, बताएं उसमें सोल्यूशन। रोनी साहब जब भी कोई भी ऑफिसर आता है, इनसे पहले वाले थे या बाद वाले थे, वो तो चाहते हैं कि कम्युनिटी को हम लेके चले, उनके साथ हमारा लेजान हो, और मैं चाहूंगा खालिद महमूद साहब ने इस आज बात की है, देखिये उनकी दिलचस्पी क्या थी, बिल्कुल वो काम करना चाह रहे हैं, उन्होंने देखिये उसी तरह कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि वहाँ के इलाकाई जो है वो खेल नहीं, जो उस पर जो बात की कल्चर के वाले मकामी फनकार हों, खेल के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा वहाँ के फ्रूट्स जो है उनके हवाले से हम जो है पाबंदकारी करेंगे, पहले भी की है उस पर जो उनसे हमने बात की है, तो खेल के हवाले से जब मैंने उन्हें बताया कि आज भी इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो मतलब ये करना चाह रहे हैं, ये वहाँ के बच्चों को उनका टैलेंट आगे निकालना चाहते हैं, हमारे लोगों में अगर जो बैठा हुआ सीट पे उसमें विलिंग होनी चाहिए, वो आगे हैं, अपनी आवाज बुलंद करें, इनके साथ ही काम करेंगे इंशाल्लाह। इसमें आप क्या समझते हैं कि आपके जो विलेज काउंसिलों के मुंतखब चेयरमैन मेंबर काउंसिलर नाजम है उनको भी किरदार अदा करना चाहिए या नहीं? उनको आना चाहिए या नहीं? तो साहब देखें जिस तरह वो अगर अदारे के लोग चाह रहे हैं कि आप आए बैठे बात करें अपने लोगों की बात करें, तो उन लोगों को सबको आना चाहिए। ये कन्वीनर के इलेक्शन के लिए तो ये ग्रुप क्लेम करता है कि सर्कल बकोट से 30 लोग मेरे साथ हैं चेयरमैन, 30 मेरे साथ हैं, ये तो 100 के करीब ये बन जाते हैं, उनको आना चाहिए, आगे आके बात करें ना, इनके साथ बैठे हैं, डीजी के साथ बैठे हैं, दूसरे के साथ बैठे, तो ये क्यों नहीं, उन लोगों को काम करना चाहिए। शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन और सामीन, आपने जाना नवीद अकरम अवैसी साहब की जबानी बकोट के हवाले, बल्कि कलियात पूरे के हवाले, और उसमें डीजी डायरेक्टर जनरल कलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद साहब, आज उन्होंने प्रेस क्लब अब्टाबाद में आए, बड़ी अच्छी उनसे बातें हुई, और गलियात की तरक्की के लिए, क्योंकि जीडीए को एक बकायदा इदारा है मगर इसको सही मानों में वो इदारा बनाना चाहते हैं, उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी मकानी कम्युनिटीज है जिनको जो मसाइल हैं, वो जिस वक्त उस मसाइल को सामने लेकर आएंगे तो उसके बाद वो मसाइल उनके मसाइल नहीं रहेंगे, गलियात जो है वो मजीद तरक्की की जानब बढ़ेगा। तो फिर मिलते हैं नाज़रीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।